अस्सलामुअलैकुम, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फॉर स्ट्रीम। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यू वैकेंसीज अनाउंसड हो चुकी हैं और एयरमैन, एरो ट्रेड एंड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की ब्रांच में अनाउंसड हुई हैं। सो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक फोर्स स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और इंस्टाग्राम पर फोर्स स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में जो वैकेंसीज अनाउंसड हुई हैं वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, एरो ट्रेड्स और स्पोर्ट्स मैन के लिए हैं। और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.joinpaf.gov.pk। आप वो वेबसाइट ओपन करेंगे सो वहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आती जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं या आपको कोई भी चीज़ नहीं पता चल रहा होता कि आप यहाँ क्या लिखें और कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है और वो सबमिट नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन, तो आप वेबसाइट पर हेल्पलाइन सेंटर का एक नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट अप्लाई करने की तो वो 2 अप्रैल 2023 है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं वो देर मत करें और जल्दी से अप्लाई करें। सबसे पहले जो हमारे पास एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की जॉब्स अनाउंसड हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिक्वायर्ड है वो 22 to 28 ईयर्स के मेल्स अप्लाई कर सकते हैं और हाइट 163 to 188 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, मिनिमम 163 सेंटीमीटर अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैथ्स के इंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, फिजिक्स के इंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, इन सब की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सेम है। अगर आपने बीएस किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है फिजिक्स में, मैथ्स में एंड इंग्लिश में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ इसका सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आपका कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका जहानत यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और आपके सब्जेक्ट्स जिसमें आपकी इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स होगी, प्लस आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद सिलेक्शन सेंटर्स पर आपका इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल मेडिकल कंडक्ट। इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल मेडिकल के बाद आपकी मेरिट के बुनियाद पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, इंटेलिजेंस टेस्ट में, फिर उनकी सिलेक्शन सेंटर्स और हेडक्वार्टर सिलेक्शन पर इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल लिस्ट के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल भी होता है। अगर मैं बात करूँ एरो ट्रेड्स की जॉब, एरो ट्रेड्स की ब्रांच की, तो इसमें भी मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ अनमैरिड बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिक्वायर्ड है वो 15 to 20 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 163 to 188 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी तालीमी काबिलियत की बात करूँ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, अगर आपने मैट्रिक साइंस में कम से कम आपके 60% मार्क्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके 33% मार्क्स हैं और इंग्लिश में आपके मिनिमम 47% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक बेस्ड है ये एरो ट्रेड्स की एंड स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन में भी सेम मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, 15 to 20 ईयर्स के बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और जो एज रिक्वायर्ड है, सॉरी हाइट जो रिक्वायर्ड है वो 163 to 188 सेंटीमीटर है। और अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं देही इलाका जात की बात करूँ, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सो इन में थोड़ी सी इनको थोड़ा कोटा दिया जाता है, यानी कि थोड़ी सी मार्क्स में रियायत दी जाती है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं मैट्रिक में साइंस के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं सिलेक्शन का तरीक़ेकार की बात करूँ, सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल होता है और अगर आप वर्बल एंड नॉन वर्बल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, इनफैक्ट उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियोज़ देख लेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी वर्बल एंड नॉन वर्बल की और आपको कोई बुक से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद आपका जैसे इनिशियल टेस्ट क्लियर होता है जिसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, सब्जेक्ट पोर्शन टेस्ट होता है जिसमें आपका फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स का टेस्ट होता है और उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है।
एंड देन जैसे ही आपका टेस्ट इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, और उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल मेडिकल होता है, और फिर आपको कोहार्ट भेज दिया जाता है आपकी तरबियत के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। और अगर मैं बात करूं कि आपको कौन कौन सी सहूलियात दी जाएंगी ट्रेनिंग के बाद, या आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपको मराहत कितनी दी जाएंगी, तो आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है, आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है। आपको अगर आपने कोई भी सफ़र करना है रेलवे का या एयर का, तो आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको रियायत दी जाती है। और अगर आप आला तालीमी इदारों में अपने बच्चों को तालीम करना देना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको खसूसी कोटा दिया जाता है। पाक फिजाइया में रिहायशी स्कीमों की मेंबरशिप भी आपको इनफेक्ट दी जाती है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फर्स्ट स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।